बुना के एगो बहुत सुंदर जगह हम यहाँ अच्छा लगे यहाँ रह के। यहाँ के आदमी लोग सब कोई अच्छा है, निमन से रहलन जा, सब कोई को जल्दी एक बार कुछ ना कुछ करते रहलन सा, उकबे रहलन सा। ओकर जैसे नामो ही बोले जाते बुना के सभी जिया फौसे में बोला जला एगो अकेय शाली हो। तो यहाँ के आदमी लोग सब हमेशा सब कोई के अच्छा से आदर से अकेय करेलन सा। विक्षिप दयाल एगो अलग प्रकार के कलाकार होवन। उच्च चित्रकारी और मूर्तिकारी के अलावा ऐसन कृति बनावेलन जोन में बहुत गहरा कल्पना बा। हर एक लोहा के टुकड़ा जो फेंकल चलेला शिवदयाल जी सब बटोर के या फिर कबो कीन के कुछ न कुछ सोच के बना ही लेवेलन। शुरू होल हल जब हम अपन डिग्री कर दलियन जाए में तो हमने के बहुत पोजर हल करी के तो हम सोचते ली अब कौन माचिए सदी करब ई अपन स्क्रिप्चर बनाए के। तो हम में हम थोड़ा पैसा के थोड़ा प्रॉब्लम रहल। तब हम सोचली अब कुछ करब का करब तो लीदे मिलल काहे नहीं हम ई जन उपजे आदमी लोग निकाल के फेंक दिलक बास क्राफ्ट मटेरियल जैसे बोला सा ओके लेके हम कुछ बनाएगा। तो तब से है शुरुआत होल। तब से हम शुरू कर ली स्क्रैप मटेरियल के सेवी करी के डेवलपे कर ली और ये बहुत कुछ बहुत क्वालिटी टेक्निक हम अपने आप से डिकवेयर कर ली। जैसे बोला सा है जन मेटल सुदे करी के वो टेक्निक है सुदे कर ला सा और बोला सा असेंबलेज। तो हम है टेक्निक वहाँ सीख ली आगे नहीं जान चली। पहले अपन एगो मशीन किन ली सुदे करे के तब सीख ली अपने आप से कोई हमके नहीं बतेलक। फेंकल फाकल चीज देख के विक कुमार के दिमाग और अंतर्ज्ञान काम करे लगेला। वो फेंकल फाकल चीज नहीं सकेलन बिना ध्यान दे के ऐसे ही चल जाए। उनकर दिमाग में एगो हलचल सा होवे लगेला। स्क्रैप मटेरियल बा जोन बा वो चिकर के बोलेला हमके एगो लाभी द। जहाँ हम देखेला एगो उपजे जन फेंकल बाते पुबेल में जहाँ कहूँ पड़ी तो हम के लीजिए मिल रहा थे कि हम के झलक कर रमास दे के नहीं जानला एग्जैक्टली में कौन चीज करब ओकर संगे हम मोवा में तो हमके रमास देला। तब बाद में ओके फिर सोच के दिखिला तो ओके इंटीग्रेट करेला कोनो काम में। तो जन उपजेवा है वो हमने निकाल के फेंक बहुत कोई निकाल के फेंक देवलन सा सोचलन सा हाँ तो अब बेकार हो गल बा। तो बेकार हो गल बा तो हमने के चाहला अपन क्रिएटिविटी से वो जन कलाकार है जन एगो आर्टिस्ट है ओके चाहला लाभी दे के ओके चाहला ओकर में एगो नवा जान डाले के। तो हम सोचली हाँ काहे नहीं हम ओके ऐसा वो फासों में बनाईला जे सकी स्क्रिप्चवा अपने आप बचाए। ई तो सच है कि आजकल पर्यावरण की सुरक्षा तो करे के चाहेला नहीं तो नुकसान तो हमने के होए। ओजोन परत मतलब कि ओजोन लेयर तो लगातार नष्ट होते जाता। सरकार के तरफ से एमईडे मतलब मोरिस इल जुराब प्रोजेक्ट 2008 से जारी बा। ई दिशा में सोच विचार के काम होते आवता। शिवदयाल जी भी अपन बगल से भाग लेवत हवन ई परियोजना में। तो जैसे देखबा हम बुटे प्लास्टिक भी सभी कर ले है आई कॉटन पापिये जितना कुछ देखबा जितना स्क्रैप मटेरियल है ओके हमने सकप से एगो नवा रूप दे नवा आकार दे सिर्फ थोड़ा रिफ्लेक्शन से थोड़ा क्रिएटिविटी से। हर एगो चीज करे के ता एगो विधि रहेला। बकिर हर एगो कलाकार के अपन अपन ढंग है अपन तरीका है कैसे दिमाग से एगो विचार के ले के असलियत में आने के और ही ओकरा एगो रूप दे के। एक आदमी काम है जिसे बनाएबा तो ओके चाहना खोखी करे के पास की स्पेसिफिक कैसे देखबा है लाता बुआ है सेजवा है कि हमके रहल चाहत रहल खोखी बनाए के पास की एक में स्पेसिफिक फॉर्म बा हमके चाहना जाने के कौन पची कहाँ डालब। तो है कि हमके पड़ल बहुत खोखी करे के बहुत देसीने बन देसा करे के स्केच करे के समझे के कौन चीज कैसे कौन फॉर्म कहाँ डालब। तो है कि खोखी बनैली और ऐसा
बहुत स्किल्पियर बाते जन खोकी निस्तने बा कर में पास की जन ऑब्जेक्ट की जन कर फॉर्म बा उ फॉर्म में हमने के गिदे करेला हम के गिदे करेला ओके कौन कैसे कौन फॉर्म ओके देवा फिनाल में प्रेरणा एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। कोनो व्यक्ति के ये प्रेरणा प्रकृति से मिलेला, कोई अपने ही ध्यान में डूब के तक कोनो कोनो दूसर कलाकार के काम से उलोगन के प्रेरणा मिलेला। विक कुमार के प्रेरणा मिलल बा महान कलाकार मार्सेल ड्यूशां से। ड्यूशां के चित्रकला, मूर्तिकला, लिखाई और इस शतरंज के खेले के बड़ा शौक रहल। उनकर कृति यूरोप के कला आंदोलन दादाइज्म से जुड़ल रहल। दादाइज्म आंदोलन 20वीं सदी के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जन्म लेले बा। मार्सेल ड्यूशां, पाब्लो पिकासो और ऑनरी माटिस तीन गो कलाकार हवन जा जोन उस समय के चित्रकला और मूर्तिकला में क्रांतिकारी विकास अनले हवन जा। उ लोग के भारी प्रभाव पड़ल बा कला और कला के इतिहास पर। मार्सेल ड्यूशां कैसे बोलला वो बहुत बड़ा कलाकार रहल। वो मूवमेंट ऐसा क्रिएट करलक जहाँ जहाँ से तब से स्क्रैप मटेरियल शुरू होल। तब वो एगो फाउंटेन ले रहल, फाउंटेन जन टॉयलेट बाटे जन रहला थे जम के टॉयलेट में, तब वो लेके अपसाइड डाउन उलाट के डाले रहल गैलरी में। तब हाउ ले पकुआ में एगो बहुत बड़ा अपरेज होल रहल, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होल रहल, आदमी लोग नहीं एक्सेप्ट होल रहल। तब मतलब ई कौन चीज है बोल तो ऐसा नहीं चिल्ले के खाली डाल गैलरी में तो एगो आर्टवर्क है तो ओकर में बहुत डिबा होल रहल। हाउ मोमावा में हाउ लिपकुआ में फोविस के लिपक में बहुत कोई एक्सेप्ट नहीं होत रहल कि एगो जिस रेडीमेड रेडीमेड वाला जरा एगो विषय जन डिजा ओकर में फॉर्म बा लेके खाली गैलरी में डाल देबा। तो हाउ लिपकुआ एगो एवोल्यूशन रहल, तब से देखबा बहुत कलाकार लोग जन स्क्रैप मटेरियल बा लेके सभी कलन से अपन अपन काम में। मार्सेल ड्यूशां के पहला और एगो काम रहल, हम जब पढ़त रही रिसर्च करत रही तो देख ली मार्सेल ड्यूशां एगो काम कर ले रहल लारू बिस्किलेट लेके एगो स्टूल बा ओकर में डाल ले रहल। तो जब हम सोचली तब मार्सेल ड्यूशां ऐसा एगो बिस्किलेट ले काम कर लग बाते तो काहे नहीं हम नहीं सब सब बिस्किलेट सर्वी करी। तो हमार खातिर एगो शुरुआत रहल कहूँ परी तब हवे खान देख बा हमार काम में जौन बिस्किले तू बाते। युद्ध के समय बहुत दुख होला सब कोई के, खाए पिए के कमी, हर एगो चीज जोन विदेश से आवेला उ सब के कमी होला और एक कलाकार लोग के कृति बनाए के सामग्री के कमी भी होला। ता ऐसन समय में कलाकार अपन कल्पना शक्ति से कोनो ना कोनो उपाय ता ढूंढी लेवे लंजा। कलाकार लोग एगो ऐसन आंदोलन स्थापित करन जा जोन गरीबी के समय के अनुसार रहल। और टिपोविरा वो कौन चीज रहल एगो ऐसन लेपक रहल जहाँ पर आदमी लोग लागे पैसा नहीं रहल लागे रहल लेपक में तो आदमी लागे पैसा नहीं वाला पैसा हो कि नहीं के तब और चीज लोग का करियन सर कैसे एक्सप्लेन करियन सर। तब और चीज लोग जितना देबरी रहल साल दे जिबुआ को तो सब लेके वो लोग कलाकार अपन पेंटिंग स्कल्पचर बनेलन सर ताकि अपने आप के एक्सप्रेस करियन सर। तो है एगो सर लेपक रहल ऐसा बहुत लेपक आल बाते जहाँ देखब आदमी लोग कौन सी चीज़ें हो गल बा कि छाला स्क्रैप मटेरियल सर्वी करे के बहुत कलाकार के इन्फ्लुएंस बा हमार लावी में। तो हम अप्रिशिएट समा करत रही बहुत पिकासो के काम के बस कि कहे पिकासो पिकासो एगो और चीज़ पोलिवाल रहल। 20वीं सदी के महान कलाकार में एगो हवन पाब्लो पिकासो, कला पर उनका भारी प्रभाव बा। 1910 के दशाब्दी में जॉर्ज बाक के साथ क्यूबिज्म आंदोलन स्थापित करलन। जन्म से स्पैनिश रहलन बाकी उनका जस्ती वक्त फ्रांस में गुजरल बा। पाब्लो बहुत प्रकार के कला करत रहलन, चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, सिरामिक से कृति बनावल आदि। काफी जवान ही से वो चित्रकला में बहुते आगे पहुंच गए रहलन। 91 बरिस के उम्र में पिकासो दुनिया छोड़ दिलन। मानल जाला कि उनका जीवन भर के काम के गिनती करल जाए तो उ लगभग 50,000 कृति करले हवन। उ में 12,000 चित्र है। शिवदयाल जी पिकासो से भी बहुते प्रभावित रहलन।
उनकर गहरा प्रेरणा से बहुत कृति बनैले हवन और अब भी बनाते हवन। चलीचा देखे फैकल लोहा से विक जी के दिमाग के कमाल। जन उपजेवा में अगर फोम रहेला त हमी के गिदे करेला त जब हाय हाय हम लागितावा बनावत रली त हम देख ली बोली कैसे सका बेगो लागितावा बनाई स्क्रॉप मटेरियल से त तुझो ओके आजिस्ते कर ली बनाई ली दिख जोड़ ली दिख ली त हम बनाई ली एगो अपन फासों में तब यहाँ से नहीं बचेला त सिलमो सो बातें कर मैं त हाई लागी तो बने ली इससे बस कि किसी बोले था म्यूजिक दे के कॉन्टेक्स्ट में सकब से कि एक्सपोज़ करे और ये जैसे देख बा हाई कम्मा हाई ला एगो लामाल हा हाई कम्मा हम कली रली बताई देना वाल गांपो किस के लुकाजियों में जहाँ चीज जो सिलेक्टे होल रहल तो हम के लुकाजियों मिलल है लामाल वा बनाई के तो लीदेवा रहल कि बताई देना वाल ओके कैसे बताप सर कि है कौन चीज हाँ तो हम हमार लीदे मिलल हमार कपार में आल एगो ऐसा काम करे के जहाँ बताई के कि है एगो लामाल हा जे समुंदर के नीचे कई बड़ी से हुआ नीचे बातें अब हुए होगल बातें तो जैसे देखबा हाई लेफे हुए हुआ रहल अथिया उपजवा में तो हाई लेफे हुए हुआ रख ली तो ओके हम और माचिया डाल के एक और थोड़ा रस्टी इफेक्ट दिली तो हाई बनैली हाई फासों में और जब एक्सपोजे कर ली रही ऐसे लगा रहा कि हाई लामालवा फेक देख हुए हो बा कि फेक समुंदर के नीचे से निकाल के एक एक्सपोजे में एक्सपोजे डालना बातें तो हाई गुलामाल होते एक बोला सा ट्रेजर चेस सब बातों में हाउ समय में सब बातों में एगो लामाल रहल त लामालवा में सब जन उपजे वालो वाले के रहल उही रह रखात रहल हमेशा। हाँ हई किताब जन देखब तर वो टैम हा एक टैम नाम बा एक ए लिखिचुअ रेस्ट और हों से बोले चाहता है कि मजिय हई जन लिखल हा जन लेख लिखल हा ओके जन चीज सीखले है स हमनी पुस्तक से वो हमेशा रह जला ज्ञान के रूप में लीवा जनबा सकी डिजेनेरे हो जाए लीवा जनबा सकी जड़ जाए सकी सर जाए सकी भिन जाए पर जन ज्ञान हमनी के लीव में से मिलेला वो हमेशा हमनी में रह जाला तो हई कॉन्सेप्ट से लेके हम हई कमवा कर ली एक मैं बताइली कि लीवा डिजेनेरे होता तसलम जन नॉलेज बा जन ज्ञान बा वो हमेशा रह जाला। हाँ एगो अथी दूसर काम है जन कुमार से कर ले है तो हबी ले एक मजे अटकल बा थोड़ा ऐसे राशन और खोजा थे कुछ सब मैं आज भी करे कैसे बोली हम तले हुआ कि एगो खाई काम हुआ मैं फंक्शनल चीज लाए के चाहेला तभी हमें सोच रहे काम हुआ मैं कैसे से कब फंक्शनल लास्टे डाले तो हबी ले ली देवा नहीं मिला बा बस की देखबा एगो काम है पफवा ने सब तैमिने कर दे और मैं कुछ कमती रहेला तो वो समय से आवेला लिता से आवेला थे और वो जब उकर समय नहीं आबा तो वो कने सबसे तैमीन करी तो कैसे बोला था हई कमवा के समय अभी नहीं आबा एक में एकाद गो दूसर चीज आजिस्ते करेंगे बा तब दिखा सर कहा सकब डाले कर में जन सब तैमीन करी। जब कलाकार लोग कृति बनावे लंजा सकब सब बोले कि वो लोग ऐसन सुंदर कृति बनावे लंजा जेकरा हमने देखते ही रह जाए लाजा और ही अद्भुत खुशी महसूस करी राजा पद्मन में। बकिर कोनो कलाकार ऐसन कृति बनावे लंजा जेकर से हमनी के दिमाग में सोच पैदा कर देवेला और ही कोनो कोनो कलाकार भी बा जोन सुंदर कृति त बनावे लंजा एकर साथ साथ उस सुंदर कृति के काम भी आवेला। मतलब ई कि एगो कृति जोन सुंदर भी बा और ही सकब सा कोनो कार्य में इस्तेमाल भी करे उकरा। हाँ हम आगे तो काम करते थे खाली एस्थेटिक पर्पोज के मजे खाली सुंदर करे के तो जब हम कौन सौ चीज़ें हो ली तो बोली नहीं चैनल व्यूनमा की पुती से करे के तब बोली कैसे सकब मजे कॉन्वेचर करे स्क्रॉप मटेरियल ओके फंक्शनल बनाए के फंक्शनल बोले चाहता है कि मजे सकब जा सेवी करे कैसे देखा तो हाई लता भाई से जो हाई तुझो स्क्रॉप मटेरियल से बनल बा तो एक एक सेवी करत है जा हाई हमने किन ली है खाली अपन टेक्निक से बनाए बना दिले है और दिखबा है एक पर्पोज आस्थेटिक बा और फंक्शनल भी बा कि मजिए जुली बातें जो कोई देखी था खुशी हो जाए और ही
सखी से भी करी और तो अब से हम जन जन काम बनाओ थाई ओके हाई दोनों लास्ट पे डाल दे बन में एस्थेटिक वो और ये फंक्शनल भी कैसे सकी के मजे वो आउटवर्क है दोनों दोनों वाले के सकी संगे जोड़े कैसे हाई मिताल बाते ताई मिताल में हम थ्रेटी करीला कि वैनी डाली लाते जब मैं और नहीं हुई हुई और ही सॉल्यूशन पासे करीला सा जब मैं अपन लेफे रखी ये सब ये सालते ये फेराई सब जगह जगह पर सब क्वालिटी आदमी लोग किन किन किसी सब एक जाता फेराई बनाई के तभी जैसे हो गल बाते तो स्क्रॉप मटेरियल थोड़ा रॉ हो गल बाते मिताल रॉ हो गल बा तभी हम सोचा था अब हम काउचू से भी करब भाई मोटरसिक्लेट के लागू लटो के ओके से भी करके ओके वो दूसर क्वालिटी काम बनाऊ तुझू फंक्शनल और ये एस्थेटिक भी तो हाई लीडे बातें अभी ओकर दिमाग में है अभी हम टेक्निक खोजत है कैसे सकब के जोड़े कौन चीज कौन टेक्निक से सकब जोड़े पास की कैसे बोली है सब माचिया के एगो टेक्निक हते काउचू तने सकब से सुधे करे तो ओके कैसे सकब जोड़े ओके कैसे सकब आजिस्ते करे तो हम नवा नवा टेक्निक ढूंढते हैं अभी कैसे सकब काउचू से काम करे। कला के पढ़ाई में बहुत से टेक्निक है सीखे के और ये उमे काम भी करे के तब बाद में हर एगो कलाकार अपन अपन ढंग के चुन के कृति बनावे लन जा। शुरू में छोटा और ही आसान काम से शुरू होला, बाद में बड़ा कृति पेश करे लन जा। बहुत टेक्निक सीख ले है, लॉजिक लाते है, जनबा लाते है, वो से भी बहुत काम कर ले है। टेक्निक डिफरेंट टेक्निक से भी करके सिरामिक भी सभी कर ले है, स्क्रिप्चर बनाए के उब्जे बनाए के और ये नॉर्मल में जब हमने आगे काम करते ले सकता सब चित के चहलाव कर वो मार्केट बनाए के जब जब हम आगे स्क्रिप्चर बनाओ थे तो लॉजिल से लातिया से लेके ओकर मार्केट बना के देखा थे सा कैसे रही ओकर बड़ा कोवा में जब हम डिग्री करे थे तो हाई पोर्ट्रेट कर ले रही सा एक में एक्सप्रेसिव स्कल्पचर बनाए के रहा तो हमने के वो आख्तिया के लेके ओके कांकाचिया बनाए के रहा तो तब के लिए पकवा के काम है सब हमने बनाओ दिल सब बस कि हई टेक्निक रहल मोल्ड एंड कास्टिंग और ये डायरेक्ट सीमेंट दूगो टेक्निक रहल जन में वालू विजे जन में हई कमवा कर ली सब तो हई हाउ लिपो के काम है हई रिलीफ स्कल्पचर वा ये एगो नवा टेक्निक हम से कर दिली तो हम बोली कैसे सका बड़ा बड़ा स्कल्पचर बनाए तो हम कैसे बोली हम हर एटाप में सीखी लाते से करी लाते आर्ट में बहुत चीज चला सीख के से करे के तो हम सही कर ली एगो फोटोचिप बनाए के हई पुलिस रन से फेई पुलिस रन से फोटोचिप बनाई ली रिलीफ बनाई ली तब बोली हाँ एगो मूल निकाल सर मूल निकाली सर एगो फिफ्थ डिवेयर से तब अगर से रिपेयर फिफ्थ डिवेयर वही से अगर पॉजिटिव नेगेटिव निकल ली जा तो हई कमवा हम कर ली पास एगो सही एगो एगो ट्रायल टेक्निक रहल तो देख ली कमवा अच्छा चलल तो ई सकी सकब को जेडो जेडो के पाछी में रहे सकी को घर के आके रहे तो एक अब डेवलपे करब और एक में बासें डाल एगो बासें बनाए के बाद बासें डालब और लापम डाल दे तो एगो जेडो काल के रही सकी आदमी लोग किने। शिवदयाल जी अच्छा चित्रकार भी हवन, उनकर कला के दुनिया शुरू होल बा एगो चित्र ही से जोन बनेले रलन जब एगो छात्र रलन स्कूल में 1993 की बात है और ये उच्च चित्र खातिर उनकरा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिलल 1994 में। हमार रुचि बात थे ये पेंटिंग चित्रकला करे करे में भी कैसे बोली हम शुरुआत कर ले रही चित्रकला से जहाँ हम वो पोर्ट्रेचर बने ले रही वो दादा के तो जब हम कमा हम कर ले रही तो पोजे रहा हमारे हाई स्कूल सर्टिफिकेट के तब हम क्लासे होल्ड रही तब से हम चित्रकलावा के रुचि बा हमर में हबीले हबीले हम चित्रकला करी लाते बहुत काल ते काम कर ले है पेंटिंग चित्रकला से डिफरेंट बहुत सारे टेक्निक से और ये तब कैसे बोली स्कल्पचर वा आ वो ऑटोमेटिक में लेता से वो टेक्निक वा आल डिपेंड हो रहा ऑब्जे के अवेलेबल कितना ऑब्जे वाते और समय के अनुसार हो स्कल्पचर कर ले रही तो कौन डिफरेंस बा एगो पेंटिंग और एगो स्कल्पचर में
बहुत डिफरेंस बाटे पास की टेक्निक डिफरेंट है, मैटेरियल डिफरेंट है और ये कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है पास की जो नेगो जाफे सका स्क्रिप्चर में करे वो पेंटिंग में डिफरेंट रही और ये कॉन्सेप्ट भी सके ला वारिये हुई बहुत काम में इसे ये कर रही कि सका ओके भाई पेंटिंग और स्कल्पचर के मिलावजे करे एक आध काम में हम कर रही जहाँ स्कल्पचर रहल ओके पैचरे कर रही लिफे दे रही और एक आध काम बा जहाँ ओकर कादरुमा बने ले स्कल्पचर और एक मैं कद दे रही पेंटिंग करे के तो हम सही कर रही मिलावजे करे के टेक्निक वन तो कैसे बोली एगो और चीज़ वो वैसा चील है एगो और चीज़ जो है वो अगर सच्चे के वो आचिस है तो वो पेंटिंग भी कर रही कलाकार भी कोनो एक्सप्रेशन ला दे बा उसकी एक्सप्रेमे करे सामान्य रूप से देखी रा जा कि कलाकार लोग बचपन ही से कला में रुचि बतला दे बेलन जा बकिर एगो समय रहल जब ई दिशा में नौकरी के संभावना बहुत ही कमती रहल आगे सच्चे के कलाकार अति और चीज के तो उतना वाले नहीं रहा और चीज़ें के इतना वाले नहीं रहा बहुत कोई सोचेला कि जो आदमी सियांस नहीं सकेला करे वो आउट स्वाजरी करे तो ये सच्चे नहीं है हम देख ली कि हम तो सियांस भी कर ली रही हमारे पास लोग हमके उतना अथी दिखवाजे नहीं करलन सा मोटिवे करलन सा बस कि लोग जानते ना कि हम सगा भाई इसी जीवा अच्छा से करे विक कुमार जी के छोटा ही से संघर्ष रहा डॉक्टरेट के पढ़ाई करे के आज वो काफी करीब हवन अपन सपना से बहुत मेहनत भी करन आगे बढ़े के और ये उनकरा अपन ज्ञान के बांटे के इच्छा भी बा तब हुआ परी एमआई में हम बहुत काल तक कर ला सर बहुत काल ते डिफरेंट कैटेगरी प्रोफेसर लोग के ट्रेनिंग दे ला सर ले बा प्रीमियर से प्रीमियर सेकेंडरी और ये रिक्टर वो लोग बा जन रिक्ट जन कू करे लंच हुआ एमआई तो हमने सब डिग्री में सब निवो में काम करे ला सर और हमार एगो भी है कि हम क्रिएटिविटी के प्रमोवा करे ला कैसे प्रमोवा करे ला हम अपन जन ट्रेनी टीचर हुआ सर वो लोग के बहुत पूरा प्रोत्साहित करे ला बताए ला कि है कला जन है सब गोई में है और चाहला के मजी थोड़ा डिपेंड दे के जब थोड़ा डिपेंड देब तो दिख जन में तुर गुण बा जन वाले बा जन क्रिएटिविटी बा वो हमेशा दिख निकली एगो कलाकार के हैसियत से शिवदयाल जी के कुछ शिकायत बा हमने के समाज से और वह आर्ट एप्रिसिएशन कला के प्रशंसा बहुत ही कमती होला मूवीज में हाउ किलचियावा नहीं बनरबा कल्ले कल्ले आवता जे दिखबा झर पे में किसे देखब सा यूरोप में अंग्लिटेर में फॉर एग्जाम्पल हम के लोकेशन मिला विजिटे करे के किसी किसी एक्सपोजिशन बात है किसी आदमी लोग वैलोरिजे करे लगता तो यहाँ मॉरिस में अभी तक हम किसी वहाँ नहीं आया तो लेता ले आई के नहीं बोलते सा नहीं आए लेता ले आई के बस कि आदमी लोग एगो पेंटिंग किने के किने किने के रही था वो लोग पेंटिंग ने किने सा वो रफेसर मलेशिया के वो लोग हाउ किने सा बस कि कहे हाउ लोग नहीं समझलन सा लोग नहीं समझलन सा है जो कला के है और वाले है तो हमने के चाहला एजुके करे के हमने के चाहला मोटिवे करे के सब कोई के जैसे बास पॉपुलेशन के उन लोग में है कल्चरवा डाले के उन लोग में है डेवलपमेंट लाए के उन लोग में है आपके शासनवा लाए के विक कुमार कई बार अपन कला के प्रदर्शनी भी कर ले हवन और ही वो इंटरनेट पर भी जस्ती अपन कृति प्रस्तुत कर ले हवन डिजिटल आर्ट्स भी करेलन कंप्यूटर के जरिए ये नया टेक्नोलॉजी के जमाना के कला है जहाँ न कलम न कागज या कैनवास न रंग की जरूरत है